मॉडल दिव्या पाहुजा केस में अब पुलिस लगातार मुख्य आरोपी और होटल मालिक अभिजीत से पूछताछ कर रही है, जिसमें एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुरुग्राम के अब इस केस में परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। तो वहीं इस कांड में इस्तेमाल की गई BMW कार को भी पुलिस ने खोज निकाला है। आरोपी ने सारे राज पुलिस पूछताछ में उगल दिए हैं, वो राज भी आपको बताएंगे। इसमें DCP का कहना है कि जिस BMW से दिव्या की लाश को ले जाया गया था, उस कार को पंजाब के पटियाला बस अड्डे से बरामद कर लिया है। कांस्टेबल करण सिंह, गुड़गांव क्राइम ब्रांच से, सेक्टर 17। ये गाड़ी मिली है, कैसे मिली है ये गाड़ी? हमें कल से इसके पीछे लगे हुए थे, हमारी यहाँ पे कैमरे में ये इसमें टोल के ऊपर आई थी, टोल में दिखाई दिया, तो यहाँ पता चला कि पटियाला की तरफ गाड़ी चली गई। इस मामले में इस गाड़ी की सर्च कर रहे हो? ये मर्डर करके ना एक लड़की का, और इसमें डिग्गी में डाल करके इस गाड़ी में लेकर आए। मॉडल का मर्डर? जी 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 मैडम, जी गुड़गांव के अंदर सिटी होटल है, उसके अंदर कन्फर्म है सर, यही गाड़ी? जी यही गाड़ी है, ठीक है सर, नंबर से कन्फर्म, ठीक है सर। और कलर भी वहाँ से आ रहा है इसके पास हमारा, तो आदमी हमें शक हुआ कि यहाँ आई हुई है गाड़ी, तो ये फिर हमें चेक करते करते कि यहाँ पार्किंग में कहीं छोड़ करके जा सकते हैं। डेड बॉडी कहाँ से मिली है? डेड बॉडी अभी मिली नहीं है इसमें, मर्डर करके इसमें लेके आए थे, डेड बॉडी का पता चलेगा कहाँ गिरा दिया गया, इसके अंदर है कहाँ है। गाड़ी का भी लॉक है, गाड़ी इसको कॉलिंग अभी कर रहे हैं, कोशिश हम चाबी मिल जाएगी तो करेंगे, तो उसके बाद में पता चलेगा कि इसके अंदर है या गाड़ी में से कहीं लाश गिरा दिया। बता जा रहा है कि मॉडल दिव्या पाहुजा पिछले साल 25 जुलाई को मुंबई की जेल से जमानत पर रिहा हुई थी। वो जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुजर के कहने पर होटल मालिक अभिजीत से मिली, जिसके बाद वो अभिजीत के साथ लिव इन में रहने लगी। वो दोनों करीब 3 महीने तक लिव इन में रहे। गुरुग्राम DCP क्राइम विजय प्रताप सिंह ने बताया कि केस के आरोपी अभिजीत सिंह से पूछताछ में कई राज खुले। पता चला कि मुंबई की जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुजर से उसी ने बात कराई थी। दिव्या पाहुजा और अभिजीत 3 महीने से एक दूसरे के टच में थे और लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। साथ रहने के दौरान दिव्या ने अभिजीत की अश्लील वीडियो बना ली, उसी को लेकर दिव्या अभिजीत सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। उस दिन भी वो होटल में जाकर दिव्या से फोन मांग रहा था, जिससे कि वो वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन दिव्या ने इसका पासवर्ड बदल दिया, जो उसे वो नहीं बता रही थी। इस बात को लेकर अभिजीत गुस्से से तिलमिला उठा और उसने दिव्या पाहुजा को गोली मार दी। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट, जो कि बस स्टैंड के पास है, वहां है। इसी सूचना पे पुलिस वहां पहुंची, और जब वहां पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा, और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया, और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत, और उसके दोस्त जो कर्मचारी या साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है कि पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक अभिजीत सिंह और होटल में काम करने वाले ओम प्रकाश और हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। ओम प्रकाश और हेमराज ने दिव्या के शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।